हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक 3 BHK वाला प्लान शेयर करूंगा, BHK जो साउथ फेस का रहेगा फेस, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लान ड्रा किया हूँ, इसका जो विड्थ है 35 फीट एंड लेंथ है 35 फीट, मतलब चारों तरफ लेंथ ब्रेड सब समान है। तो मैंने ड्रा कर लिया हूँ, अभी क्या करेंगे, जितना वॉल है उसको कलर कर लेंगे, मतलब वॉल फिलिंग कर लेंगे। तो पहले हम जो बाहरी दीवार है, आउटर वॉल है, इसे फिलिंग कर लेते हैं, जहाँ पर विंडो रखना है और वेंटिलेटर रखना है या कहाँ पर दरवाज़ा रखना है, ये सब जगह छोड़ के बाकी सब में हम ब्लू कलर कर लेंगे, ऐसे करके कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटर वॉल है वो 9 इंच का रहेगा, ठीक है। ये वाला वॉल अभी जो मैं कलर किया वो 9 इंच का रहेगा, वो जो वैकेंस छोड़ा वो इनर वॉल है वो 5 इंच का रहेगा, बाद में आपको मैं बताऊंगा। तो इधर भी ऐसे कलर कर देते हैं, फिर आपका मर्जी, आप पार्किंग एरिया के भी बाउंड्री लगा सकते हैं, मैंने ऐसे ही वैकेंस छोड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने 9 इंच का दीवार पूरा कलर कर लिया, अभी क्या करेंगे, जो पार्टीशन वॉल है इनर वॉल, इसको कलर कर देंगे। ये 5 इंच का रहेगा, ये भी 5 इंच का रहेगा, अभी जो कलर कर रहा हूँ सब उसके अंदर जितना रहेगा वो 5 इंच का रहेगा। तो पहले ये जो वर्टिकल वॉल कर लेंगे, इसके बाद हॉरिजॉन्टल वॉल भी ऐसे कलर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको कुछ पता चल सके। आप आधा देख के मतलब बोलेंगे कि थोड़ा प्लान सही नहीं है, ठीक है, आपका पसंद नहीं होता हुआ होगा, लेकिन एंड तक देखने से मेरा आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि कम एरिया पे 35x35 एरिया पे पार्किंग विथ 3 बेडरूम बड़ा सा हॉल, मतलब अच्छा खासा डिजाइन किया हुआ हूँ। मेरा जितना नॉलेज है, इसके हिसाब से मैंने मेरा बेस्ट देने के लिए ट्राई करता हूँ हर टाइम, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये भी एक व्यूअर का रिक्वायरमेंट में बेस करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया, मैंने कलर कर लिया, अभी ग्रीन कलर में वो जो विंडोज और वेंटिलेटर सबको रंगा देंगे। उसके बाद डोर्स वगैरह बना लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी कोई प्लान का हेल्प चाहिए, मकान बनाने में हेल्प चाहिए, तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट में आपका प्लॉट के बारे में, आपका बिल्डअप एरिया के बारे में डिटेल्स में बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप बता रहे हैं डिटेल्स में ज़रूरत के हिसाब से बताइए। तो ये रहा आपका प्लान, अभी इस प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल में नया है या अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, इस प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो इसका जो डायमेंशन है वो 35 फीट लेंथ में भी है और विड्थ में भी 35 फीट है, मतलब चारों तरफ सेम है, स्क्वायर टाइप का बिल्डअप एरिया है। इधर है हमारा ईस्ट की दिशा, इस तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। तो हमारा जो फेस रहेगा वो साउथ फेस का रहेगा। तो ये आगे की तरफ साउथ की दिशा में हमारा मेन रोड गया है, ऐसे मेन रोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक 9 फीट का गेट लगाएंगे पार्किंग के लिए, जो ठीक है, यहाँ पे एक
9 फीट का गेट लगाएंगे। अंदर जाने से ये रहा हमारा पार्किंग एरिया। इसका जो डायमेंशन है विड्थ में 10 फीट है और लेंथ में 14 फीट 1 इंच का, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो ये रहा हमारा मेन डोर जो हमने 4 फीट का रखेंगे, और अंदर आने से ये रहा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, ठीक है। तो इसका जो साइज है डायमेंशन में विड्थ में है ये 10 फीट 8 इंच और लेंथ में 11 फीट 8 इंच का। इधर साइड में मैंने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाया हूँ राइट तरफ, ऐसे करके फिर लेफ्ट और लेंगे ऊपर जाएंगे तो सीढ़ी का जो डायमेंशन है ये 3 फीट का रहेगा। फिर सीधे जाएंगे तो थोड़ा आगे की तरफ हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम है ये। इसका चौड़ाई 4 फीट है और लेंथ है 6 फीट 8 इंच। इधर एंट्री करेंगे तो ये रहा हमारा मेन हॉल जो लिविंग रूम के रूप से हम यूज करेंगे हिसाब से बड़ा सा हॉल है। इसका चौड़ाई है 11 फीट और लेंथ है 16 फीट 16 फीट, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये हमारा गेस्ट रूम जो विड्थ में इधर 10 फीट 8 इंच है और लेंथ में 11 फीट का। फिर यहाँ पे एक हमारे पास छोड़े हैं, देखिए यहाँ पे डोर नहीं लगे हैं, ये आर्च रहेगा ऐसे 2 फीट 6 इंच का आर्च रहेगा। तो ये रहा हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग इसका जो डायमेंशन है ये है 6 फीट 7 इंच और इधर रहेगा 6 फीट 8 इंच, लगभग स्क्वायर टाइप का। फिर इधर ये रहा हमारा किचन, इसका जो साइज है 8 फीट इन विड्थ एंड 10 फीट इन लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पास है तो हम जब राइट की तरफ जाएंगे तो ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम, ठीक है। इसका जो चौड़ाई है ये है 11 फीट और लेंथ है 13 फीट 13 फीट। यहाँ पे भी मैंने एक अटैच टॉयलेट कम बाथरूम रखा हूँ जिसका चौड़ाई 3 फीट 8 इंच है और लेंथ है 7 फीट का, ठीक है। फिर आमने सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है, ये है एक दूसरा बेडरूम। इसका जो चौड़ाई है ये है 11 फीट और लेंथ है 12 फीट, ठीक है। इसमें भी एक अटैच टॉयलेट कम बाथरूम रखा गया है जिसका चौड़ाई 3 फीट 7 इंच है और लेंथ है 7 फीट, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लान। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्लान, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।